अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज का सीन ये है कि आप लोगों को पता नहीं है वैसे, लेकिन अन्या एक दिन के लिए गई थी कराची। तो शी इज़ कमिंग बैक एंड आई नीड टू लीव एंड थोड़ा सा ऐसे लेट हो गया यार। अब ये ना हो कि अन्या लैंड कर जाए, क्योंकि अक्सर ही होता है, अक्सर अन्या को पिक करना होता है और अन्या बोलती है किधर हो, और मैं अपनी ओवर एफिशिएंसी दिखा के मुझे लग रहा था कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं 5-10 मिनट लेट होता हूँ। तो आई होप इस दफ़ा नहीं होता। तो जी चलें, चलते हैं। पता क्या है? चांपे। रियली? अच्छा दो ना, छोड़ो चांपे निकाल लो। चांपे प्रेशियस। आई सी माय लव तकिया। पता नहीं पानी कहाँ से गिरा। How are you, जानू की जान? How are you, जानू की जान? यार मेरे बैग में इतना पानी कहाँ से गिर रहा है। पानी की बोतल तो है, बट वो तो इतनी अपराइट पड़ी हुई है और ना ही वो लीक हुई है। पानी लीक हुआ होगा, मगर मैंने इतना ही पानी पिया था। I missed you so much. I'm so tired. मास्क तो उतार लो अब। यार मैं बहुत अगल्स लग रही हूँ ना इसलिए। पहले नबीहा को पता तो नहीं है। तो गाइस सीन ये है कि नबीहा का आया है रिजल्ट। नबीहा 10th grade ना, सो 10th grade नबीहा का भी हुआ। You can say metric. Okay, so metric का रिजल्ट आया and she माशाल्लाह scored 89%। तो 2-3 दिन से नबीहा शदीद एंजाइटी में थी कि अली भाई क्या होगा, पता नहीं, अन्या भी नहीं है और हम क्या करेंगे, और यू नो पता नहीं। और मजे की बात मामा को नहीं बताया, मामा को पता भी नहीं कि रिजल्ट आने वाला। और ये हरकतें हम भी करते थे जब हमें लगता था कि हमारा रिजल्ट ऊंचे नीचे आ सकता है और घर वाले डिसअपॉइंट होंगे। तो रिजल्ट आ गया और उसने खुद नहीं देखा, खुद वो सो रही थी। मैंने उसको सुबह उठाया कि नबिया रिजल्ट चेक कर लो। शी वाज सो स्कैर्ड, शी वाजंट ओपनिंग इट। अन्या ने चेक किया, अन्या थी नहीं यहाँ पे, तो अन्या ने उसको कॉल करके बताया कि नबिया की स्कोर 89%। देन वी लाइक यू नो वी वर रियली रियली हैप्पी। एंड अभी नबिया को नहीं पता कि मैं अन्या को पिक करके यू नो आ रहा हूँ। तो हमने प्लान क्या किया था आपको बताते हैं। प्लान प्लान ये है कि माय गॉड यार, गाड़ी से पूरी आमना बिरयानी की स्मेल आ रही है, मुझे भूख लग गई है। लेके आई हूँ। हाँ ना। कितनी? 4। हाई फाइव चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना। कैमरा पकड़ा हुआ है ना। तो कहते हैं प्लान ये है कि अब हम लेंगे फूल और हम लोग लेंगे केक और हम लोग लेंगे बलून्स और हम लोग जाएंगे नबीहा की सेलिब्रेशन करने। फिर रात में हम लोग डिनर पे जाएंगे और वीकेंड जब आएगा, इस दफ़ा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है 4 दिन का, तो आई विल टेक हर प्रॉबली सैटरडे को या संडे को। आई विल टेक हर फॉर शॉपिंग एज अ प्रेजेंट। इतना टाइम बाय किया हमने अभी। हाँ मैं उसको बोल दूँ कि ट्रैफिक है। श्योर? या तो तुमने ये क्या बोला है अभी, ये भी बता दो कि अभी बेसिकली उसको ये नहीं पता। हाँ उसको ये नहीं पता कि मैं अली के साथ आ रही हूँ, उसको ये लग रहा है कि मैं अपनी ऑफिस की गाड़ी में आ रही हूँ। सो या तैयार श्यार होकर बैठी हुई है घर पे मेरे लिए। वो बोलती है कि मुझे 3-4 दिन से इतनी एंजाइटी हो रही थी, मैं मासी बन के घूम रही थी, और आज मैंने उसकी स्टोरी देखी। हम लोग नबिया बड़ी मॉडल लग रही हो, फुल है ना, ग्लैम हुई हुई। मैंने बोला मॉडल लग रही हो बड़ी, तो बोलती है आप आ रही हैं, ठीक है क्या हो गया। बस तो खुश बहुत जाता हूँ यार, होना भी चाहिए। माशाल्लाह, I'm so proud of her. I wish I was with her. You are with her literally one day. Like when it happened. आज सुबह हुआ है। हाँ तो वो मोमेंट ना ली, तुम्हें पता नहीं वो मोमेंट कितना स्पेशल होता है। कुछ नहीं होता मोमेंट में, कुछ भी नहीं होता फजूल में। I missed यार, I missed you. तो जी finally we are here at the flower market and I'm 6. नबिया को एम्बैरस करने के लिए हार भी पहनाए, कसम से। मैडम 800 अच्छी वाली कितने पूरे हैं उस पर एक स्टेम पे। मुझे जो है ना ये वाला एक स्टेम लगा दें सही, कोई अच्छा सा हो, उस पर प्रॉपर खिले में हो सारे। ये 2 पिंक रोज़ कर दें, 2 वाइट रोज़ कर दें, एक बेबी ब्रेथ कर दें और 1 पर्पल 1 वाइट का सैंथेमम कर दें। डू यू वांट सनफ्लावर? तो 2 दिन में ना हो जाता है। बॉक्स में कर लें, मगर फिर वो स्टेम छोटे कर दें। हाँ। तो वाज में नहीं लगेंगे, चले उसी में कर दें, शीट में ही कर दें। जाहिर है इन दी एंड अन्या को अपने वाज के बारे में सोचना है, बिकॉज जहाँ हमारे में हार भी आपके। हार कितने गए? ये जो गुलाब और मोतिया के साथ है, एक हार भी दे दें। बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। लेकिन 2 ले, एक मैं बनाऊंगा, एक तुम बनाना। ये वाले हार दे दें, ये वाले ठीक है। ये दो दो। अच्छा इसके डेमो करते हैं, दिखाओ पहनाओ। ये जरा ये पैक कर दें। अच्छा पैक किया। जब तक ये बुके बना रहे हैं तब तक हम बलून्स ले लेते हैं। हाँ गुड आइडिया, लेट्स गेट बलून। चले आप उतनी देर बना लें, वो गुब्बारे ले लेते हैं। सामने से नहीं वहाँ से लें, देख लो जिसके पास नहीं है। सेम ये पास है, यहाँ से देख लो। यार जो बॉयज फूल लेते हैं ना, सीन ऑन है। सब दे दे अलग अलग रंग के। कितने? 10 दे दे। अच्छा, I wanted to ask you something. I like flowers the way to woman's heart. Yeah, it depends. Like कुछ लड़कियों को पसंद होते हैं, कुछ लड़कियों को नहीं पसंद होते हैं, कुछ लड़कियों like हर किसी की different priorities. Like I really like flowers. So, but अब तो तुम्हारे पास hard है, अब क्या? नहीं, लेकिन देखो मैंने स्कोर भी कर लिया है, लेकिन फिर भी I still score. ये वाली। हाँ चलो। मैंने तुम फुल सीन में करना चाहिए, फुल स्विंग। बन गया तुम्हारा बुके है। यार ये तो बड़ा मजा आएगा। तो वजन लगा देना। माशाल्लाह गाड़ी तो मैं कैसे चलाऊं ऐसे, ये देखें गुब्बारों से भरी हुई गाड़ी। एंड इन अदर न्यूज़, वाइल आई वॉज मेकिंग माई ब्लॉग तो F6 वाली सुपर मार्केट में जो फ्लावर मार्केट है वहाँ पे थे हम, फूल वगैरह ले रहे थे नबिया के लिए। तो मीन वाइल दिस गर्ल स्टॉप्ड बाय एंड थोड़ा वो पास आए, तो मुझे लगा शायद यू नो फूल लेने हो। तो मीन वाइल सो शी वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर अस टू स्टॉप लाइक यू नो रिकॉर्डिंग, सो शी कुड टॉक टू अस एंड शी केम अप टू अस एंड यू नो शी लाइक Anya, you know, she knew us, she wished us best of luck and she was really 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 sweet. Yeah, she was genuinely a sweetheart and I think I'm getting better at meeting people when they come up to me because इससे पहले तो मुझे you know like इतने ज़्यादा लोग आते नहीं थे, but एकदम से जब से अली ने people. I don't intimidate people. Like I said, but they get intimidated. हमेशा शक्ल थोड़ी सी ऐसी है, but I'm so glad she came up to me and I've spoken to her on Instagram before as well, and she was very 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 sweet. So if you're seeing this, Aska, you're a cutie. अच्छा आप कहाँ जाना है? Stop number 2. शम्स पहले पास है, पहले शम्स चले। शम्स से लेना क्या? थोड़ा सा चॉकलेट्स वॉकलेट्स ले लेती हूँ। खानी हम नहीं है, अपनी पसंद के लिए। And we're here at Shams finally. Where do you want to start? Nabiha is more into chips. Of course, Samia. She likes them. Guys, अगर आप लोगों को ये chocolate पसंद है ना, ये I judge you because my wife is crazy. She likes chocolate mint ice cream. Toothpaste. खानी है? Ice cream खानी है. वही chocolate mint ice cream खानी है? Ew. टूट गई. It was already broken obviously. ये लो फोन तुम्हारा। तो जी भूख भी बहुत लग रही है और मैंने सिर्फ सुबह से 2 मील लिए, मतलब फॉर समबडी हूज वाचिंग दिस वीडियो उसको लग रहा होगा कि यार ये पागल बंदा है 2 मील्स खा के भी इसको भूख लग रही है। तो आई ईट लॉट एंड आई ईट अबाउट 5-6 मील्स अ डे। तो ज़ाहिर है मेरे खाने का टाइम हो गया एंड क्योंकि अभी कुछ अवेलेबल नहीं है तो हम KFC आ गए, मतलब है भी अवेलेबल बट पास था तो कन्वीनियंट। तुम्हें क्या खाना है? विंग्स। रात में डिनर पे जाना है ना, आई डोंट वांट टू ओवरडू इट। उसने अपना खाना खा लिया और अब मेरे विंग्स पे जो है ना कब्जा करना चाह रहा है, मैंने छुपा के रख दिया। अरे क्या मसला है? एक विंग देन वी लीव। आई वांट टू ईट देम व्हेन आई गो होम। फाइन। वन। ग्रैब इट बैक। सर्विस बहुत ही बुरी है आज, नहीं खाना उतना अच्छा है, कांट कंप्लेन। अच्छा एक बहुत अच्छा सीन हो गया है, अभी Anya ने कॉल की थी अम्मा को तो आस्क व्हेन Nabiha is, so Nabiha is sleeping, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। पहले हम सोचते कौन दरवाज़ा खोलेगा, कैसे पता लेना है, इट्स वेरी प्रोबेबल कि वो तब तक उठ जाएगी। लेट्स होप ना उठे, वैसे आई थिंक प्लान तो सही है। डिटोर वाजंट अ गुड आइडिया। या लेकिन भूख बहुत लग रही थी यार, रात तक के लिए वो नहीं होता। पता है क्या, I was so looking forward to plain food and then I slept and they didn't even wake me up. तो जी हमने सोचा थोड़ा सा, हमने अपना माइंड बनाया और हमने ब्रेनस्टॉर्म किया, तो हम इस कंक्लूजन पे आए कि आज वैसे वाइज नहीं है डिनर पे जाना क्योंकि बहुत ही छोटा सा नोटिस है, 9, 9:30, सो कोई भी रेडी नहीं होगा एंड प्लस सारे केक लेना है, घर जाना है, Anya ने तैयार होना है, सो वो वीकेंड पे कर लेंगे। और मेरी सास ने मेरी फेवरेट चांपे भेजी हैं, तो मामा if you're watching this video, thank you so much for this and अभी ज़रा टेस्ट करूँगा मैं घर जाके। लोटस और एलवेलवेट। Lotus? Do brownie? Yeah. Or do weekend? Because you want to eat champ. Yeah. तो यार देखिए मुझे एक बात है, मेरी सास इतने प्यार से मुझे चांपे भेजेंगे और बाहर खाना खाऊंगा। सो अभी हम लोग लेयर से वापस आए हैं एंड वी मेट द क्यूटेस्ट लेडी एवर एंड शी वाज वेरी क्यूट एंड वेरी स्वीट एंड what you know I love the most about this, you know, being in this industry and being in this field is the amount of love that you get, you know, एक बहुत it's obviously very overwhelming also and एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप you know थोड़ा सा grounded रहना भी मुश्किल हो जाता है. This is something that people don't talk about, I feel कि you know obviously अगर आप कहीं गए हैं और आपसे लोग आके मिल रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रूर तकब्बुर आ जाता है इंसान में. बट हम लोग कोशिश करते हैं कि you know, हम लोग जिससे भी मिलें हम लोग you know, बहुत अच्छे से मिलें एंड वी डोंट हैव टू ट्राई, लाइक इट नेचुरली कम्स टू अस बिकॉज हमें जितने भी लोग मिलते हैं वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं और इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं. इन दी एंड you know, हम लोग जहाँ पे भी हैं आज और जितनी हमें इज़्ज़त मिल रही है वो आप लोगों की वजह से ही मिल रही है. सो कमिंग बैक टू द लेडी, शी वाज़ वेरी वेरी क्यूट और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है व्हेन यू नो पीपल हु आर लिटिल ओल्डर देन अस कम एंड मीट अस बिकॉज आई नो कि हमारी एज ग्रुप, हाँ हमारी एज ग्रुप के लोग तो हमसे रिलेट कर सकते हैं, दे हैव ऑल द मोर रीज़न टू वॉच अस. बट व्हेन पीपल यू नो, जैसे ये हो गई मेरी एक बहुत ही स्वीट सी बहुत ही क्यूट सी क्लाइंट है नुज़रत, वो हो गई, वो भी मुझे बताती रहती हैं अक्सर कि मैं जो हूँ आपके व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो you know, it's just a different kind of feeling when you know, people like this also watch us and come up to us and talk to us. So it's just very very overwhelming. But again, she is very cute. And very very honestly, बहुत अच्छा लगता है जब आप में से कोई उठ के आता है and you know, because honestly it takes a lot of courage to go up to someone and tell them that you really like them. तो you know, because मैं भी आप जैसे हूँ, मैं से ही हूँ कि you know, मैं बहुत रेयरली किसी के पास जाऊँगा कि ओके you know, आई रियली लाइक योर वर्क एंड स्टफ. तो you know, hats off to everybody who comes up to us. And guys, whenever you see us in public, please come and say hi. And we're actually very nice people here. अगर आपको कहीं से हम serious वगैरह लगता हूँ तो है नहीं. You know, what we look on camera, we're like double joyful. And is joyful a word? I think like happy and joyful and like enjoyable. Wow. कौन सी यार कहाँ की ग्रामर? खुश मिजाज इंसान है. खुश मिजाजी का मुजाहिरा करते हैं. तो अगर आप कभी मिलेंगे ना तो यार ब्रो सीन होगा. हेलो अम्मा जान. हाँ जी. नबिया उठी? हाँ थोड़ा सा. अच्छा मैं बाहर हूँ, या तो चाबी फेंक दें या तो किसी को भेज दें. चाबी से नहीं खुलेगा. ठीक है ना? ओके. नहीं है कि हम जा रहे हैं, जल्दी चलाओ तुम. और नीकी करने की कोशिश करते हैं ऊपर. टर्न 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 टर्न. हाँ ना, तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा कि सामने बैठी होगी नबिया. वो रही जी अम्मा. मुझे जरा बताओ पहले तुम्हारा बैग वगैरह निकालने से. बैग छोड़ देते हैं, बैग बाद में लेंगे, पहले सामान निकाल लें. आई एम गेटिंग द फ्लावर्स. पत्तियां भी लेके आए, हार भी लेके आए. अच्छा ये जबरदस्त है. रेडी नहीं ना तो ये शम्स वाली चीज़ें उधर ही पड़ी हैं. नहीं ना, इधर सजाऊंगी. तो अम्मा को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नबिया को जाके बोलना है. क्या बोलना है नबिया को जाके? डैडी बुला रहे हैं. कि डैडी बुला रहे हैं और आइसक्रीम शाइसक्रीम का कोई सीन है तो जी चलें. तो अम्मा सही है स्क्रिप्ट. चलो आओ. तुम दोनों का ना पत्तियाँ फेंको. बल्कि मैं बारी बारी मुबारक हो कुड़िए. ओ जी मुबारक. ओ जी मुबारक हो. कैसा रहा? बहुत अच्छा. अम्मा मुझे कहती है अंकल आइसक्रीम के लिए लेके जाना था. मैंने आपको कॉल किया, आप नहीं उठा रही थी. हाँ तो हम यहाँ खड़े होते थे, हम प्लान कर रहे थे. बुला लेती उनको भी ना. अम्मा देख रही मेरा ड्राइंग रूम. नहीं तो कोई बात नहीं, तुम ही साफ करोगी दोनों मिलके. नबिया की माशाल्लाह से मैट्रिक में 90% आई है. आज रिजल्ट आया उसका. क्या है अभी A लेवल में तो जाएगी, शुरू करेगी। अच्छा मैथ हमने A लेवल कर रही है, टॉपर हो गई तुम। कितने A मिले? ये कितने मिले? सारे A से। नहीं वो A+ क्या होता है? A1 ग्रेड बना। Congratulations to you, congratulations to you, congratulations, congratulations, congratulations Nabiha। इतने बदतमीज़ है जी भाई ने बताया, क्या बोला था? मुझे भी अनिया ने कहा कि हम में ना अली नहीं है मेरे साथ, मुझे उठा के बोलते हैं हाँ चलो उठो, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। मज़े का कह रहे नहीं मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, जल्दी आके देखो। अम्मा को जाके बोलते हैं इस चीज़ का मज़ा आ रहा है। मैंने अम्मा सुबह नबिया को ना 11:30 बजे उठा दिया, मैंने नबिया 4 बजे सो रही थी। मैंने कहा नबिया उठो रिजल्ट चेक करते हैं। नबिया के हाथ टाँगें फ्रीज, नहीं नबिया के हाथ टाँगें बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। इसने तो खुद खोला भी नहीं था अपना रिजल्ट, मैंने अभी तक भी खुद खोला और मैं बीच में उठ रही थी। थोड़ा सा सैड फील हुआ, वो चाबियां फंस गई जी। मैं वही देख रही क्या हुआ यार। अनिया तुमने नोटिस किया वैसे नबिया में ट्रांजिशन? हाँ, चार दिन से नबिया वैसी उन्हीं सेम कपड़ों में थे, होमलेस बनी हुई थी। हाँ, तो एकदम से आज रिजल्ट सही तो नबिया बिल्कुल यो। अच्छा जी ब्रूनो तो मुझे देख के बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुआ, अंदर आया उसने कोई मूवमेंट नहीं की, लेटा हुआ है। अब देखते हैं अनिया को देख के मूवमेंट करता है, एक्साइटेड होता है कि नहीं। तो दिखाओ बेटा। तुम देखते हैं तो यार कितना बेवफा कुत्ता है। फेंक दो यार ये खुदा के लिए। यार जब तक है तब तक है। अम्मा मुझे देख के कुछ भी नहीं हिलाना, दो मिला ही ना कुछ किया। अनिया को देख के यूं 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 तो मिलती है। अब लेट जाएगा, लेट जाएगा, बहुत ही लेजी है। मैंने ब्रूनो से ज़्यादा लेजी कुत्ता कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो जी ये है अलमशहूर हमारी फेवरेट कराची की आमा बिरयानी, वो रही शाम पे हम थोड़ी देर में अटैक करें। यार मामा सो क्यूट, मुझे बहनिया बता रही है कि तो सुबह 10 बजे चाँपे लेके आई और सारा टाइम यू नो पकाती रही हैं। एंड अनिया बोल रही थी कि नो मेरे साथ बैठ जाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, बट यू नो शी इज़ लाइक नहीं मेरे बेटे को खानी है। सो यू नो आई एम जस्ट लाइक यू नो स्टॉप। आप लोगों को एक कारनामा दिखाता हूँ जो एक हमारे घर के शाहकार ने किया है। वो क्या है? ये अच्छा खासा केक था, इसका हाल देखें क्या हो गया। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि किसने किया? ये ब्रूनो ने किया। तो बेसिकली इतना स्नीकी है ना, इतना स्नीकी है। हम लोग कमरे में बैठे हुए थे और हमें कोई आइडिया नहीं था कि ब्रूनो कहाँ पे है। तो ब्रूनो ने स्नीक किया, दरवाज़ा खोला, बाहर गया और आधा जो केक बचा था वो खा गया और ये बचा गया। अब जाहिर है ये भी ब्रूनो ही खाएगा। क्या तो मेरी चॉकलेट्स भी जाती हैं? हाँ हमें तो ये डर लगा कि चॉकलेट्स ना खा गए, बिकॉज चॉकलेट्स आर टॉक्सिक फॉर डॉग्स। खैर शुक्र है बट केक का तो सत्यानाश कर दिया। तो चलें गाइस आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।